प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करेगी भाजपा सरकार। पशुपालन, वन पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में होंगे शामिल। पहली बैठक 22 नवंबर को गौ अभ्यारण आगर मालवा में आयोजित होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कमलनाथ के शामिल होने की जानकारी उनको थी, इसके बावजूद कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस अपराध के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को प्रदेशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन, सभी की समृद्धि खुशहाली के लिए मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवा की पूर्व राज्यपाल व भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य लेखिका श्रीमती मृदुला सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्रीमती सिन्हा की कालजयी रचनाएं व सेवा के कार्य हमेशा उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखेंगे। प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिवस। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों व पूर्व मंत्रियों ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिवस, इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसियों का किया गया सम्मान एवं गरीबों को कराया गया भोजन, केक काटकर मनाई गई खुशी। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने किया उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण। उन्होंने बवनी बंजर, मलारा एवं सीमरखापा उपार्जन केंद्रों में चल रही खरीदी कार्य का विस्तार से लिया जायजा। कलेक्टर स्थित गोलमेज कक्ष में कलेक्टर ने ली जिले के राइस मिलर्स की बैठक। बैठक में आगामी दिनों में मिलिंग से संबंधित किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जिला उद्योग समिति की आयोजित हुई बैठक जिसमें उद्योगों से निम्नानुसार जीएसटी, सेल टैक्स एवं अन्य लगाए जाने वाले करों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण एवं प्रतिवर्ष दिए जा रहे रोजगारों की जानकारी भी साझा की गई। वृद्धावस्था एवं आहार की कमी के चलते कान्हा टाइगर रिजर्व में हुई एक बाघ की मौत। बाघ की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष बताई जा रही है।